आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है सीता और गीता के बारे में। दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं। सीता जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। वह हर रविवार को व्रत रखती है। इसके अलावा सभी पर्वों में वह सिर्फ फलहार करती है, अन्न और नमक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। इसके अलावा नवरात्रि पर भी वह व्रत करती है। दूसरी ओर गीता जो है वो एक फिटनेस फ्रीक है। वो अपने फिटनेस गुरु की सलाह पर हफ्ते में 2-3 दिन सिर्फ फल और सब्जियां का सेवन करती है, अन्न और नमक को हाथ नहीं लगाती। दोनों का ही मानना है कि व्रत और उपवास बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे उनके मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वे ज्यादा स्वस्थ महसूस करती हैं। और इस कहानी की तरह अगर आप भी सीता या गीता में से एक हैं जो केवल मीठा खाकर ही व्रत करते हैं या फिर नमक कुछ ज्यादा ही कम खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं यह काफी खतरनाक भी हो सकता है। नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पर इतना भी कम नहीं खाना चाहिए कि यह हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए। तो इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि नमक बिल्कुल छोड़ देने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोडियम नमक का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। शरीर में सोडियम की अधिक मात्रा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती है, इसलिए इसका सेवन नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक हमें प्रतिदिन 2300 मिलीग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में सोडियम यानी नमक का सेवन समस्याओं का कारण बन सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में नमक खाना भी उतना ही नुकसानदेह है। इससे आपको 6 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या है इंसुलिन में गड़बड़ी की वजह से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। पूरे दिन नमक नहीं खाने से आपके ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव आ सकता है। 152 लोगों पर हुए एक अध्ययन के मुताबिक इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब सेल्स हार्मोन इंसुलिन के सिग्नल का जवाब नहीं देते। इसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी समस्या है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। कम नमक खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, यह सच है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का केवल एक ही कारण नहीं होता, यह कई और कारणों से हो सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक प्रतिदिन 2000 मिलीग्राम से कम सोडियम की सेवन से दिल की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा और भी बढ़ जाता है। तीसरी समस्या है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर तब होता है जब दिल ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, लेकिन यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक सोडियम की कम मात्रा की वजह से हार्ट फेलियर वाले लोगों में मौत का खतरा बढ़ जाता है। चौथी समस्या है ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना। 2012 में एक पब्लिश रिसर्च के अनुसार कम नमक खाने वाले लोगों में रेनिन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। जी जर्गेंस ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश अपनी रिसर्च में बताया है कि हेल्दी लोगों में कम सोडियम वाली डाइट के कारण LDL कोलेस्ट्रॉल में 4.6% और ट्राइग्लिसराइड्स 5.9% तक बढ़ जाता है। पांचवी समस्या डायबिटीज के मरीजों के लिए है। अगर आपको डायबिटीज है तो व्रत रखना आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों में अचानक से शरीर में नमक की कमी हो जाती है जिससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। रिसर्च में पता चला है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में लो सोडियम डाइट पर मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस पर और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। छठी समस्या दिमाग में सूजन, कोमा और दौरे का खतरा बढ़ जाना। हाइपोनेट्रेमिया एक ऐसी स्थिति है जो ब्लड में सोडियम के निम्न स्तर के कारण होती है। कम नमक खाने से इस स्थिति का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण डिहाइड्रेशन के कारण होने वाले लक्षणों के समान हैं। गंभीर मामलों में दिमाग में सूजन हो सकती है जिससे सिर दर्द, कोमा, सीजर्स के अटैक और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। तो इस वीडियो से हमें क्या पता चला? हमें व्रत और उपवास रखना चाहिए,
यह शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सभी काम हमें हिसाब से करना चाहिए। किसी भी चीज की हमें अति नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें नमक का सेवन अधिक नहीं करना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं करना है। आपसे अनुरोध है, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल कुछ और नई और रोचक खबरों के साथ।